सभी लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। देखिए अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलेंगे भाई 3,000 रुपये हर महीने। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त को भी लेकर बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं प्यारे किसान साथियों, अब आप सभी लोगों को मिलेंगे 3,000 रुपये की धनराशि। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें एक नई योजना शुरू की गई पीएम किसान मानधन योजना। इसके अंतर्गत लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन के रूप में दिए जाते हैं, या एक स्वैच्छिक एवं देखिए अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है, जिसमें किसान 55 से 200 रुपये प्रति महीना जमा कर सकते हैं, यानी कि जमा करने होते हैं किसानों को, और 60 साल की उम्र के बाद उन्हें मासिक पेंशन जो मिलती है वो 3,000 रुपये प्रति महीना दी जाती है, यानी कि पीएम किसान मानधन योजना के तहत। मैं आपको बता दूँ ये पेंशन का लाभ कैसे मिलेगा, तो प्यारे किसान साथियों देखिए पेंशन जो है, यानी कि इस योजना में शामिल होने के, यानी कि जो किसान शामिल होने वाले हैं, किसानों की उम्र जो है 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हो जाती है। योगदान करना होता है तब जाकर राशि मिलती है, कितना योगदान करना है वो भी देखिए। देखिए किसानों को योजना में शामिल होने के लिए मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जैसे 55 रुपये कोई दे सकता है या फिर 200 रुपये तक दे सकते हैं, ठीक है, 55 रुपये से 200 रुपये हर महीने। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, राशि देने के बाद लाभार्थी किसानों को मासिक फिर पेंशन जो मिलेगी वो 3,000 रुपये प्रति महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, वो भी 60 साल के जो ही आप लोग पूरे हो जाओगे तो आपको जमा कुछ नहीं करना, उसके बाद आप लोग जब तक जीवित रहोगे तब तक हर महीने 3,000 रुपये आपको मिलता रहेगा। फिलहाल बात कर रहे थे 18वीं किस्त की, तो 18वीं किस्त का भी पैसा देखिए इसी महीने, यानी कि जो नया महीना आ रहा है, इस नए महीने की 25 तारीख तक आप लोगों को भाई 2,000 रुपये की 18वीं किस्त का पैसा दे दिया।